What is up guys, welcome back to Electrical Unboxing. मैं नितिश बस्सी, आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, एक बहुत ही हॉट टॉपिक का कंपैरिजन, एक बहुत ही हॉट ब्रांड्स के बिटवीन कंपैरिजन। तो आज ही हम आज कंपेयर करेंगे हेलेनिक्स के मोशन सेंसर बल्ब को ओरिएंट के मोशन सेंसर बल्ब के साथ। तो इस कंपैरिजन का बेसिक रीजन ये है कि मैंने एक वीडियो डाली थी ओरिएंट सेंसर बल्ब की, इसके फीचर्स बताए थे, इसकी टेस्टिंग की थी। तो कमेंट सेक्शन में आया था कि हेलेनिक्स बेटर है या फिर हेलेनिक्स ऐसा है वैसा है। तो हमने कहा क्यों ना कंपैरिजन कर दिया जाए, बिकॉज हम तो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। दो रीजंस है उसके, एक तो आपका एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर हो जाएगा कि हेलेनिक्स बेटर है या ओरिएंट बेटर है। नंबर टू, आप खरीद पाओगे दोनों हमसे, अगर आपको हेलेनिक्स चाहिए वो भी आप ले पाओगे, ओरिएंट चाहिए वो भी आप ले पाओगे। ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं electricalunboxing.com, हमारा अपना ऑनलाइन स्टोर। तो ठीक से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज लाइव टेस्टिंग होगी, सब कुछ होगा। तो चलिए खोलते हैं। तो हल्के से रिटर्न फीचर्स की बात कर ले, मेन कंपैरिजन पहले मैं बताऊं आपको, एक एमआरपी का हेलेनिक्स है वो थोड़ा सा चीपर है, 350 एमआरपी है, 400 एमआरपी है ओरिएंट की। बट मैं बता दूं आपको, ये एमआरपी पे नहीं, अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा हमसे। उसके अलावा मेन कंपैरिजन जो हेलेनिक्स का है वो मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं हेलेनिक्स के, बट ओरिएंट का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बाहर से आई है। देखिए राधिका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक समथिंग, तो ये मार्केटेड बाय ओरिएंट इलेक्ट्रिक है और ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये एक डिफरेंस अभी हमने फिगर आउट कर लिया है। उसके अलावा अगर फीचर की बात करें तो जो रेंज है वो ओरिएंट की 15 फीट्स है और हेलेनिक्स की भी 15 फीट्स है। ऑटो ऑफ होता है हेलेनिक्स 1 मिनट के बाद और ओरिएंट होता है 2 मिनट के बाद। और जो हमारा ओरिएंट है वो वर्क करता है 180 डिग्रीज पे, जो हेलेनिक्स है वो वर्क करता है 360 डिग्रीज पे। तो डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें अच्छा खासा। एंड एक और डिफरेंस बता दूं, जो हेलेनिक्स में एक फीचर है जिसे हम ड्रॉबैक भी कंसिडर कर सकते हैं, और अभी देख लेंगे क्या ये ड्रॉबैक है या क्या ये अच्छा फीचर है। तो जो ये डे टाइम में वर्क नहीं करता, या फिर ज्यादा लाइट्स ऑन हो रूम में तो भी वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे मैनुअल गिवन है हेलेनिक्स के साथ, तो कुछ खास काम का नहीं है मैनुअल, इसे हम फेंक रहे हैं और बात कर रहे हैं बल्ब की। तो जो हमारा बोर्डन पोर्शन है वो थोड़ा ग्रेश कलर में है एंड जो साइज है वो डिसेंट है। अभी ओरिएंट का खोल के देखते हैं और साइज कंपेयर करते हैं। और जो ओरिएंट का उसका बॉटम व्हाइट है, उसका ग्रे है, और जो साइज है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लाइक वेरी 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 लिटिल डिफरेंस। ओरिएंट का हल्का सा बड़ा है, हल्का सा, वो भी इसके कारण, बिकॉज यहाँ से जो कर्व है वो ज़्यादा है, कह सकते हैं थोड़ा गुलाई ज़्यादा है बस, बाकी सेम है बिकॉज वॉट्स भी सेम है इसके दोनों के। तो मेरे हाथ में ही आप दूर से पता कर सकते हो कि कौन सा हेलेनिक्स का है कौन सा ओरिएंट का है। उसका रीज़न इसका बॉटम है, जो हेलेनिक्स का वो ग्रेश में, इसका वाइट में है। उसके अलावा बात करूँ वेट की दोस्तों, वेट जो है वो ओरिएंट का ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं काफ़ी ज़्यादा है हेलेनिक्स के मुकाबले, अभी मुझे फील हो रहा है इजीली इसे पकड़ने में उठाने में। तो है ओरिएंट का जो वेट है वो ज़्यादा है। एंड अब हम मूव ऑन कर रहे हैं इसकी टेस्टिंग पे, लाइव टेस्टिंग पे। फर्स्ट चीज़ जो मैं देखना चाहता हूँ वो देखना चाहता हूँ दोनों की लाइट। तो पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि इसकी लाइट ज़्यादा है। ये लगा दिया हमने ओरिएंट का और ये हेलेनिक्स का। तो ऑफ कोर्स कैमरा में ऐसे एग्जैक्टली पता नहीं लगता किसकी लाइट ज्यादा है या फिर किसकी कम है। तो ओरिएंट का इतना ब्लिंक करने का रीजन मे बी ये है कि जो ओरिएंट की लाइट है वो थोड़ी सी लाइक बहुत कम डिफरेंस से थोड़ी सी कम है हेलेनिक्स से, एंड हेलेनिक्स का इसके कारण थोड़ा कम मतलब कैमरा में वो कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। अब ऑन नहीं हो रहा हेलेनिक्स, ये क्यों नहीं हो रहा है उसका भी मैं रीजन बताता हूँ आपको। एंड हियर यू जस्ट नोटिस समथिंग कि जो हमारा हेलेनिक्स का है वो ऑन नहीं हो रहा था, उसका रीजन क्या है, जो बल्ब है वो डे टाइम में वर्क नहीं करेगा। बट यू मस्ट बी वंडरिंग, ये तो डे टाइम नहीं है, ये तो नाइट है, बिकॉज हाँ जी मैं नाइट को शूट कर रहा हूँ, तो ये क्यों ऑन नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट रीजन दिया हुआ है कि जब लाइट्स ऑन होंगी रूम की और सारी तो भी ये ऑन नहीं होगा। ओके ठीक है, अच्छा फीचर भी है कुछ हद तक, अच्छा फीचर है कुछ हद तक, पूरा फीचर भी है, कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लाइव टेस्ट करेंगे। लाइट हमने टेस्ट कर ली है जिससे हमें पता लगा ओरिएंट की लाइट वो थोड़ी सी कम है हेलेनिक्स से। तो अभी मैं दोनों बल्ब्स को ऑन कर रहा हूँ एंड अभी दूर चला जाऊंगा इनकी रेंज से, दैट इज 15 फीट्स, एंड वेट करूंगा कि ये दोनों ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, उसके बाद आऊंगा वापस टू चेक द स्पीड। हेलेनिक्स का तो बंद हो चुका है बट हमारा ओरिएंट का नहीं हुआ, बिकॉज ओरिएंट की टाइमिंग थोड़ी ज्यादा है, दैट इज 2 मिनट्स, बट हेलेनिक्स की कम है।
ओके सो गाइस दोनों बल्ब राइट नाउ बंद हैं एंड मैं इनकी रेंज में आने की ओके मैं रेंज में आ गया एंड आई एम जस्ट वंडरिंग हेलोनिक्स का ऑन नहीं हो रहा। उसका रीजन है दोस्तों वही चीज, लाइट्स बाकी ऑन होने के कारण ये ऑन नहीं हो रहा, तो टेस्ट रिपीट करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा, बाकी लाइट सारी ऑफ करनी पड़ेंगी। लेट्स रिपीट दिस। तो अभी मैंने बिल्कुल एकदम डार्क कर दिया है एंड ये रहा हमारा ओरिएंट का बल्ब और ये रहा हमारा हेलोनिक्स का बल्ब, तो दोनों ग्लो कर चुके हैं। तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ इनकी रेंज के एंड लेट्स सी अब जनरल स्पीड किसकी ज्यादा है। ओके तो गाइस दोनों हो चुके हैं बंद, अब मैं आ रहा हूँ इनकी रेंज में। देखते ओके तो जो हमारा ओरिएंट का था वो स्लाइट सा डिफरेंस देखने को मिला, लाइक मिनी सेकंड्स पीछे रहा हेलोनिक्स से, मिनी सेकंड्स का डिफरेंस रहा। जैसे कि मिनी मतलब कैसे दिया, थोड़ा सा डिफरेंस था लाइट में भी, हेलोनिक्स की हल्की सी ज्यादा थी, वैसे ही मोशन स्पीड का भी हल्का सा डिफरेंस था, हल्का सा। एंड अगर गर्मी की बात करूँ, दोनों इस समय बहुत गर्म है, बहुत हीटअप हो चुके हैं बल्ब, तो इस चीज़ को माइंड नहीं करना। 1 ईयर की वारंटी है दोनों की, तो हीट हो ना हो उससे आपको क्या लेना देना, काम करने चाहिए। तो बारी आती है कंक्लूजन की दोस्तों, और कंक्लूजन इसका ये है दोस्तों, जो लाइट है वो हल्की सी हेलोनिक्स की ज़्यादा है, लिटिल बिट डिफरेंस। उसके अलावा जो मोशन स्पीड का है वो मिनी सेकंड्स का फर्क है, तो कह सकते हैं मोशन जो स्पीड है वो सेम टाइप की है, बट जो एक डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कि हमारा ओरिएंट है वो बंद होता है 2 मिनट बाद और जो हेलोनिक्स है वो बंद होता है 1 मिनट बाद। तो आप इसे देखिए आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है, 1 मिनट वाला या 2 मिनट वाला। तो ओके उसे भी बाहर निकाल देते हैं, ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट को भी बाहर रखते हैं। बात आती है दोस्तों मेन जो इसके हेलोनिक्स के फीचर की, कि ये डे टाइम में काम नहीं करता। डोंट जस्ट थिंक कि यहाँ पे लाइट ज़्यादा होने के कारण ये ऑन नहीं हुआ, अगर लाइट कम भी है लाइक इवनिंग का टाइम भी हो तो भी ये ऑन नहीं होता। मैंने वो भी ट्राई किया था, अनब्रेकेबल है, डोंट वरी, दोनों ही अनब्रेकेबल है, तो इवनिंग में भी ये काम नहीं करेगा। तो ये आपके लिए फीचर जो है, ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है ये आपको डिसाइड करना है। जो मैं पर्सनली अपने ओपिनियन से देख रहा हूँ दोस्तों वो ये है कि देखा जाए तो इवनिंग में भी, इवनिंग क्या कई बार डे टाइम में भी लाइट की ज़रूरत पड़ सकती है, लेट इट बी बाथरूम में, तो बाथरूम में लाइट की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑफकोर्स पड़ सकती है। डे टाइम में ऑन करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होती तो थोड़ी सी होती है, बट अगर बल्ब की ज़रूरत है तो आप ऑन नहीं कर पाओगे हेलोनिक्स को, बट ओरिएंट वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बट बात करें कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, वो करेगा हेलोनिक्स का। वो कैसे, बिकॉज ये 1 मिनट बाद बंद हो जाएगा, ओरिएंट होगा 2 मिनट बाद, उसके अलावा डे टाइम में काम ही नहीं करेगा, बात ही खत्म यहाँ पे। बट अगर आपको चाहिए कि हाँ जी डे टाइम में भी काम करना चाहिए, अगर ज़रूरत है, अगर मोशन है तो डे टाइम में काम करे, तो हेलोनिक्स आपके लिए नहीं है, तो आपके लिए बनाया ओरिएंट। बट अगर आपको बचानी है लाइट, बचानी है इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा, तो यू कैन गो विद हेलोनिक्स एज वेल। तो गाइस दोनों का अपना अपना यूज़ है अलग, और स्पीड जो है मोशन की वो सिमिलर ही है, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। मेन डिफरेंस आया वो ये है कि 1 मिनट बाद ये बंद होता है और ये डे टाइम में काम नहीं करता। तो चूज़ वाइजली, चूज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड यू कैन बाय बोथ फ्रॉम अस electricalunboxing.com। अभी प्लेस कर दीजिए ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हेलोनिक्स थोड़ा चीपर है ओरिएंट से, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हो दोस्तों। एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से लाल कर दीजिए बटन को सब्सक्राइब वाले को, एंड गाइस बस सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब चाहिए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, मोशन सेंसर बहुत ही ट्रेंडिंग चीज है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।